लोग जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिस क्लास चलाया जा रहा है, तो आज की प्रैक्टिस क्लास में हम लोग आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए, यहाँ दे रहा है ही कम, ही हैज कम विदाउट एन डॉट डॉट अम्ब्रेला। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देना है यहाँ पे क्या भरना है, तो कोई आर्टिकल भरना है, ए एन और द या नो आर्टिकल, मतलब ये आप बताने हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, यू। यू के लिए आप लोगों को क्या बताया गया, तो सबसे पहले देख लिए आर्टिकल लगा देगा है, तो ए का यूज कब करेंगे, तो जब भी कोई ऐसे वर्ड जिनका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट स्टार्टिंग जो है, तो ये तो बेसिकली है, जब इन्हें प्रोनाउंसिएशन करिएगा, तो अगर ये क से ग्या तक में आए, ठीक है, अगर यहाँ तक में आ रहा है इनका प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट, तो उसे वहां आप यूज करिएगा ए कब, ठीक है। अगर ए एन यूज कब करना है, तो ए एन तब यूज करिएगा जब वो अ से अह तक में आए, ठीक है। जब उनका प्रोनाउंसिएशन करने पर फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन करिएगा, तो अगर वो अ से अह तक के बीच में आ रहा है, तो वहां पर आप लोग यूज करिएगा एन कब। फिर द का यूज कब करेंगे, तो द का यूज पार्टिकुलर सेंस में किया जाता है, जब कोई खास को दिखाना हो, जैसे गंगा। अब ये गंगा जो है ये रिवर का नाम है, और ये रिवर जो है वो कोई पार्टिकुलर है, तो जब भी पार्टिकुलर हो, तो वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां सॉल्व करते हैं इस सवाल को, तो यहाँ पर दिया हुआ है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को बोले जब भी लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, ओ, ठीक है, ओ आएगा, तो ओ आएगा तो मतलब क्या, वहां पर क्या आएगा, एन आएगा, तो एन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा ये भी तरीका है कि आप उसका फर्स्ट लेटर देखिए वो क्या दिया हुआ, अगर ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई दिया हुआ है, तो फिर वहां पर एन यूज किया जाएगा, ठीक है। बट ऐसा मैक्सिमम जगह पे होता है, मैक्सिमम जगह पे नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को हिंदी वाला बताएगा कि जब आप उसे प्रोनाउंसिएशन करिएगा, तो उसमें अगर अ अ से अ तक में आ जाए, ठीक है, अ से अगर अ तक में आ जाए, तो वहां पे आप लोग यूज करिएगा एन का, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई आए, तो वहां आप यूज करिएगा ए का, और अगर कोई स्पेसिफिक सेंस में, तो आप लोग यूज करिएगा द को। सेकेंड देखिए, डॉट डॉट गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है। अब यहाँ पर गंगा दिया है, गंगा कहने का मतलब क्या, कोई खास है, स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक के लिए क्या बताएगा, द का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा द गंगा इज अ होली रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज डॉट डॉट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या है, तो जब आप लोग डिग्री को पढ़िएगा, तो डिग्री में आप लोगों को बताएगा पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, लॉन्ग का पॉजिटिव डिग्री लॉन्ग होता है, ठीक है, लॉन्गर लॉन्ग होता है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री की बात करें तो लॉन्गर होता है, क्या होता है, लॉन्गर, और अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, लॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री, तो वो होता है लॉन्गेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होता है लॉन्गेस्ट। तो अब लॉन्गेस्ट जब सुपरलेटिव डिग्री दिया है, तो सुपरलेटिव डिग्री में आप लोगों को बताया जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आने वाला जो भी आर्टिकल होता है वो होता है द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव दिया है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं पता हो, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, विच इज द डॉट डॉट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट रिवर तो कोई एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है दस हो जाए, दस रिवर आ जाए जो कि लॉन्गेस्ट होगा, कोई एक ही होगा, अगर एक ही है तो क्या है, वो पार्टिकुलर है, तो पार्टिकुलर है तो आर्टिकल द लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में क्या दे रहा है, हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डॉट डॉट ट्रूथ, ठीक है। अब हॉनेस्ट मैन ऑलवेज, हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डॉट डॉट ट्रूथ, तो ये क्या है, तो इसमें देखिए, तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल का ट्रूथ है कि हाँ, ये हॉनेस्ट मैन जो होते हैं ना, वो हमेशा ट्रूथ ही बोलते हैं, मतलब वो सही बोलते हैं। अब जब सही बोलते हैं, तो सही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रुस्तम, रुस्तम वाज डॉट डॉट यंग पारसी, रुस्तम वाज डॉट यंग पारसी, तो रुस्तम जो था वो यंग पारसी था, तो रुस्तम यंग पारसी था, यंग का फर्स्ट में देखिए क्या आ रहा है, यंग का फर्स्ट क्या है, यंग, इसे हिंदी में क्या लिखेगा, ऐसे यंग, तो फर्स्ट क्या आ रहा है, यो के लिए क्या बताएगा, आप लोग यूज करिएगा ए को, ठीक है। दूसरा ये भी है कि वाई, वाई के लिए क्या बताया गया था, ए ई आई ओ यू, क्या इसमें से है, ये
नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, आर्टिकल एंड तो यूज होगा नहीं। अब ये जो द है, द तो ये कोई खास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he returned after dot dot hour। अब इसे पढ़ा क्या जाता है, आवर, आवर ही पढ़ा जाता है। फर्स्ट क्या है, आर के लिए क्या बताया गया था कि अ से अगर कोई भी है जो कि अ से अह तक में एंड हो रहा हो, अ से अह तक में एंड हो रहा हो, तो उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल एन। तो यहां पर हो जाएगा आर्टिकल एन, जब ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। ठीक है, दूसरा तरीका, नेक्स्ट देखिए, आई डॉट डॉट बॉय इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, आई डॉट डॉट बॉय इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो यहां पर जो दिया हुआ है, ये तो एक पहले देख लीजिए, ये सेंटेंस में सिंपल कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट जो है वो बाद में आएगा। अब सब्जेक्ट ये है और इसके पहले में कोई आर्टिकल लगाना, तो आर्टिकल कैसे लगाएंगे इसमें, तो देखिए बॉयज, अब बॉय जो है क्या वो एक के लिए आता है, नहीं सॉरी, बॉय जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो नहीं है। अब ये जो आर्टिकल ए और एन है वो कहाँ यूज किया जाता है, सिंगुलर के सामने, तो सीधा सा मतलब बन जाए कि ए और एन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहां से आप लोग सीधा देख लेते हैं कि द होगा नहीं तो नो आर्टिकल होगा, नो आर्टिकल तो यहाँ कर नहीं सकते, द आ सकता है, क्यों, क्योंकि आर द डॉटर द बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक, मतलब अगर पूछ रहे हैं कि हाँ वो लड़के पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो बॉयज को तो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये बॉयज, तो ये बॉयज जानते हैं, तो ये जानते हैं, तो ये स्पेसिफिक बॉयज हो गया, तो इसलिए आर्टिकल द आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे, आर्टिकल द को भर देंगे। नेक्स्ट देखिए, डॉटर गोल्ड इज नॉट प्योर, अब गोल्ड क्या है, तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल आता है, बोलिए, आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो क्या मतलब कि यहां पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, देखिए गोल्ड अगर यहां पर रहता, गोल्ड इज नॉट प्योर, ठीक है, तो वहां भी नहीं, गोल्ड इज येल्लो, तो वहां पर जो है बेसिकली गोल्ड येल्लो होता है, तो वहां हो जाता है, बट यहाँ दे रहा है डॉट गोल्ड इज नॉट प्योर, मतलब कोई स्पेसिफिक गोल्ड के बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये जो गोल्ड है ना वो प्योर नहीं है, तो जो कोई भी स्पेसिफिक गोल्ड के बारे में बता रहे, तो वहां पर आर्टिकल यूज करेंगे द, क्योंकि स्पेसिफिक गोल्ड है, अब स्पेसिफिक के सामने क्या आएगा, द ही, तो आर्टिकल यहाँ पर द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, डॉट डॉट राम ऑफ रामपुर इज इल, मतलब राम ऑफ रामपुर इज इल, रामपुर का जो राम है वो बीमार है। अब अगर ऐसा रहता राम इज इल, तो राम इज इल के पहले कौन सा आर्टिकल आता, वो आप लोग कमेंट में बताइए। यहां देखिए राम ऑफ रामपुर इज इल, तो यहां पर जो राम है क्या कोई खास राम है, तो हाँ राम जो है वो कोई खास है, रामपुर का खास राम, कोई भी राम नहीं, रामपुर का खास राम। तो अब रामपुर का जब स्पेसिफिक राम है तो वहां पर क्या आएगा, जब बताया गया था कि स्पेसिफिक के लिए आप लोग यूज करिएगा आर्टिकल द को। नेक्स्ट देखिए, डॉट डॉट मैन हु इज स्लीपिंग इज माय फ्रेंड, मतलब किसी को और दिखाकर बोल रहे हैं कि द मैन हु इज स्लीपिंग इज माय फ्रेंड, तो वहां पर जो मैन है क्या वो स्पेसिफिक है, तो हाँ स्पेसिफिक मैन है, जिसकी और दिखाकर बोल रहे हैं कि वो मैन मेरा फ्रेंड है, तो वो तो स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक जहां पर भी हो उसके लिए आर्टिकल यूज करते हैं द को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर वाज वन ऑफ द डॉटर ग्रेटेस्ट किंग, अकबर वाज वन ऑफ डॉटर ग्रेटेस्ट किंग, तो अभी हम बताएं कि ग्रेटेस्ट कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री नहीं, कॉम्पिटेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री, यस सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या बताएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आने वाला कोई भी है आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ द ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, मतलब अकबर जो है ग्रेटेस्ट किंग था। नेक्स्ट देखिए, सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, अब पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो देखिए कॉम्पिटेटिव डिग्री में क्या है, तो वहां पर जो है ना कॉम्पिटेटिव डिग्री में ई आर होता है लास्ट में, और सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा वो ई एस टी को लेकर आएगा। ठीक है, लास्ट में अगर ई आर दिख रहा है तो वो कॉम्पिटेटिव डिग्री हो जाए, और ई एस टी दिख रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाए।
बट कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर वो ईआर और ईएसपी नहीं यूज करते, वहां पर वो वहां यूज किया जाता है मोर और मोस्ट। ठीक है, तो जब मोर और मोस्ट का यूज किया जाए तो यहाँ देखिए ये क्या यूज किया, मोस्ट मतलब सीता इज डॉटर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सीता जो है मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है इस क्लास में। तो हाँ, तो पार्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है कि हाँ देखो ये सीता जो है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है तो आर्टिकल क्या आएगा, द। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आर्टिकल द। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।